ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव, शिव भक्ति ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हुए आज बात करते हैं प्रदीप मिश्रा जी के मुखारविंद से सरल व अचूक उपाय। जो महापुराण की कथा में आया करो, तो यहाँ पर तुम्हारे अंदर के जितने खोट हैं, मदिरा पान करते हो, तंबाकू का सेवन करते हो, सिगरेट बीड़ी पीते हो, मांसाहार करते हो, या गलत जो भी करते हो, उसमें से एक एक कर कर धीरे धीरे अपने अंदर के खोट तुम यहां छोड़ कर चले जाया करो। एक एक खोट हमें आप लोगों से कोई बहुत दौलत या धन या संपदा या सत्ता नहीं चाहिए। हमें तो केवल आपके अंदर जो बुराइयां आप छुपी हुई हैं, आपके अंदर जो बुरा तत्व छुपा है, किसी के अंदर क्रोध है, किसी के अंदर लोभ है, किसी के अंदर आसक्ति है, किसी के अंदर वासना है, किसी के अंदर तृष्णा है, किसी के अंदर कोई कोई खोट भरे पड़े हैं, वो खोट हमको बस छोड़ देना। चाय में शक्कर कम होगी चल जाएगी, दूध में शक्कर कम होगी चल जाएगी, कॉफी में शक्कर कम होगी चल जाएगी, पर वाणी में शक्कर कम नहीं होना चाहिए। चाय में चीनी कम चल सकती है, पर अपनी वाणी में, अपनी जिभ्या में चीनी कम नहीं होना चाहिए। अपनी वाणी में मिठास परिपूर्ण होना चाहिए, अपनी वाणी में शक्कर परिपूर्ण होना चाहिए, परिपूर्ण। आजकल व्यक्ति की जीवान भी पक्की नहीं है कि इसकी जीवान है कितनी। थोड़ी देर में कुछ कहता है, थोड़ी देर में कुछ कहता है। साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक और भगवान शंकर के जितने भक्त होते हैं, शिव की उपासना करने वाला जो होता है, शिव के भरोसे जीने वाला जो होता है, उसकी एक जीवान होती है। कितनी जीवान है? जम के बोलो जरा। एक जीवान होती है। सांप की दो जीवान होती है। ब्रह्मा जी की चार मुख तो चार जीवान, शेषनाग के हजारों फन तो जीवान भी हजार, रावण की जम के बोलो दस, रावण की जीवान दस है, शेषनाग की जीवान हजार है, सांप की जीवान दो है, ब्रह्मा की जीवान चार है, पर चुगली करने वाला, बुराई करने वाले की कितनी जीवान होती है पता ही नहीं चल पाता। निंदा करने वाला, चुगली करने वाला, बुराई करने वाला, अपशब्द कहने वाला, ताना देने वाला, आड़ा टेढ़ा बोलने वाला, ईर्ष्या रखने वाला, इसकी जीवान कितनी है आज तक कोई पता नहीं कर पाया कि इसकी जीवान कितनी है। यहां कुछ कहेगा, वहां कुछ कहेगा, यहां कुछ बोलेगा, वहां कुछ बोलेगा, इनसे कुछ बोलेगा, उनसे कुछ बोलेगा, इसकी जीवान का ठिकाना नहीं कि इसकी जीवान कितनी, इसकी जिभ्या कितनी। शेषनाग को देखोगे तो लग जाएगा कि इसकी हजार जीवान है, रावण को देखोगे तो लग जाएगा कि इसकी दस जीवान है, सांप को देखोगे तो लग जाएगा कि इसकी दो जीवान है, ब्रह्मा जी को देखोगे तो लग जाएगा कि इनकी चार जीवान है, पर एक साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक को देखोगे, भगवान के भजन करने वाले को देखोगे, शिव आराधना करने वाले को देखोगे, पहचान जाओगे कि इसकी एक जीवान है। पर निंदा करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, अपशब्द कहने वाला, ताना देने वाला, निंदा में डूबने वाला, इसकी जीवान का पता नहीं पड़ता कि कितनी जीवान है। घर में कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी जीवान का ठिकाना नहीं होता। थोड़ी देर में मम्मी को यह बोल दिया, पापा को यह बोल दिया, भाई को यह बोल दिया, बहन को यह बोल दिया, मायके में यह बोल दिया, वहां पर यह बोल दिया, बहन का फोन आया तो यह बोल दिया, भाई का फोन आया तो उसको यह बोल दिया, काका जी का फोन आया तो उसको यह बोल दिया, मामा जी का फोन आया तो उसको यह बोल दिया। उसकी जीवान एक नहीं है, उसकी जिभ्या पक्की नहीं। ये मानव कितनी जिभ्याओं से बात कर रहा है। राम राम जपना बोलो, आगे तुम बोलो जरा,
अच्छे से तो बोलो, पूरा बोलो, राम राम जपना और पराया माल अपना, मुख में राम बगल में छुरी। आप पहचान नहीं पाओगे कि अपना है कि पराया है, आप जान नहीं पाओगे कि अपना है कि पराया है। फिर वही वाली बात आ गई, अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया। जो यहाँ होता है वो दुनिया में कहीं नहीं होता। यहाँ चिड़िया को दाना दिया जाता है, गाय को पूजा जाता है, गंगा को पूजा जाता है, कन्या को पूजा जाता है, वृक्षों की पूजन करी जाती है, पर्वतों की पूजन करी जाती है, और तो और रोडों की भी पूजन करी जाती है। ये कोई साधारण देश नहीं, ये संस्कृति और सभ्यता को देने वाला भारत देश है, जहाँ छत्रपति शिवाजी जैसे, छत्रपति संभाजी जैसे इस भारत की भूमि पर जन्मे हैं, वो साधारण भारत की भूमि नहीं, जहां की माता अपने बच्चे को जन्म देती है तो शेर की तरह जन्म देती है, और जब माँ कह दे बच्चे से, बच्चा अपनी माँ के लिए तारा भी तोड़ कर ला सकता है, वो छत्रपति शिवाजी जैसी इस पवित्र धरा का आनंद पाता है। कोई सहज है बदला, मेरा भारत थोड़ा सा बदला। कहाँ बदला? बस एक जगह पर बदलाव हमको दिखता है, खुद के पापा को जब बोलता है तो पापा, और जब पत्नी के पापा को बोलता है तो पापा जी, पापा जी। बदलाव तो हुआ, थोड़ा सा तो बदला। जितना आदर तू पत्नी के पापा को देता है, उतना आदर अगर अपने पापा को भी जी लगा के बोलता तो वो चाबी भी दे देता जी। आदर तो करो, सम्मान तो करो, और उस आदर और सम्मान में हमारी जिंदगी। फिर कहेंगे चाय में अगर शक्कर कम होगी चल जाएगा, चाय में चीनी कम होगी चल जाएगा, कॉफी में चीनी कम होगी चल जाएगा, दूध में शक्कर चीनी कम होगी चल जाएगा, पर अपनी जिभ्या में मिठास कम मत होने देना। इतना मीठा बोलो कि दुनिया आपकी हो जाए, दुनिया अब मीठा क्यों नहीं बोलते, मीठा क्यों नहीं बोलते, थोड़ा सा मिठास हमारे जीवन में हो, थोड़ी सी मिठास, और हम उस मिठास से दूर चले जा रहे हैं, दूर। हम कहां अपना समय दे रहे हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है, हम अपना समय होटल में दे रहे हैं, हम अपना समय गलत विचारों में दे रहे हैं, हम अपना समय गलत सोच में दे रहे हैं, तो आपका कभी अच्छा नहीं हो सकता। आप समय अच्छी जगह देना चालू करो। सुबह से उठो, एक लोटा पानी भरो, बच्चों के हाथ में भी पकड़ाओ, जाओ जल चढ़ा कर आओ। अपन अपना अच्छा समय अच्छी जगह देंगे तो अपने को अच्छा प्राप्त होगा। जो फ्री होता है वो सबको फ्री समझता है। एक लड़की तैयार होके सज धज के रेलवे स्टेशन चली गई, एक लड़की तैयार होकर सज धज कर रेलवे स्टेशन पर पहुंची, स्टेशन मास्टर से पूछा लोकल ट्रेन कितने बजे आएगी, स्टेशन मास्टर ने कहा 10 बजे। फिर लड़की ने पूछा, बड़ी सजी धजी, राजधानी एक्सप्रेस कितनी बजे आएगी, स्टेशन मास्टर ने कहा 2 बजे। मालगाड़ी कितनी बजे आएगी, स्टेशन मास्टर ने कहा 2:30 बजे। स्टेशन मास्टर ने पूछा, तुम्हें जाना कहाँ है, लड़की बोली कहीं नहीं जाना है, पटरी के साथ में सेल्फी लेना है। मैं तो जाना वाना नहीं है, ट्रेन का इसलिए पूछ रही हूं कि ये ट्रेन जब निकल जाएगी तो मैं पटरी पे सेल्फी लूं। स्टेशन मास्टर ने उसके पांव पड़े और कहा, बेन तेरे हाथ जोड़ू,
अगली बार स्टेशन मत आना, तू जा यहां से। जिसके पास समय फ्री वो फ्री की बात करे, जिसके पास में मूल तत्वता है भगवान की भक्ति की, जिसके पास में मूल आनंदता है भगवान के भजन की। यहाँ जितने लोग कथा सुन रहे हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस छत्रपति संभाजी नगर की पावन धरा पर कथा सुन रहे हैं, मेरा विश्वास कहता है आप अपने घर जाते होगे, जितने दिन तुम यहाँ की कथा सुनकर जाते होगे, कम से कम 5 दिन 7 दिन 6 दिन 8 दिन इस कथा की चर्चा जरूर करते होगे। हमने कथा सुनी थी, संभाजी नगर गए थे, वहां कथा का रसतत्व ग्रहण करा था, वहां हमने ऐसी कथा सुनी, वहां पर हमने इस प्रकार की कथा सुनी, वहां पर व्यवस्था ऐसी थी। हमने रोज कथा को याद किया, हमने रोज परमात्मा को याद किया, हमने रोज भगवान को याद किया, तो भगवान भी हमारे स्मरण को आता है। हम परमात्मा को याद कर रहे हैं हर पल हर क्षण हर घड़ी। मेरा आपसे निवेदन है, शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो जैसे वो अभी भैया चिल्लाए हर हर महादेव, तुम शिव जी के मंदिर में जाकर एक बार जमकर चिल्ला दिया करो बोलबम का नारा है। तुम शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो जम के बोल दिया करो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कोई बोले चाहे नहीं बोले, आपके बोलने से जितने लोग बैठे हैं उनके कानों में शब्द जाएगा, उनके कानों में शब्द जाएगा तो वो शब्द बिखरेगा, बिखरेगा तो हमारा भी कल्याण कर जाएगा। इसलिए उस मंत्र का जाप करते रहो। आप 4 लोगों में ट्रेन में सफर कर रहे हो, बस में सफर कर रहे हो, आप फ्लाइट में सफर कर रहे हो, आप गाड़ी में सफर कर रहे हो, 2 मिनट के लिए आप मंत्र को याद कर लिया करो, आप कथा की चर्चा कर लिया करो। बस से जा रहे हो, कहीं पर भी जाओ, ये जरूरी नहीं कि कथा में आ रहे हो तब भगवान को याद करोगे, तब कथा को। तुम जहां चलते फिरते, हम तो भैया कथा में गए थे, हमने तो कथा सुनी है, हमने शिव पुराण में ये सुना है, हमने शंकर की कथा से ये लिया है, हमने शंकर की कथा से ये प्राप्त किया है। प्रत्येक जगह पर शंकर की चर्चा करना प्रारंभ करो। शिव पुराण कहती है तू भजन कर कर देख, तू मेरी चर्चा कर कर देख। भगवान कहते हैं मैं तेरी चर्चा पूरी दुनिया में करा दूंगा, तू मेरा नाम कर कर देख, मैं तेरा नाम पूरी दुनिया में करा दूंगा, तू मुझे एक चावल का दाना दे कर देख, मैं तेरा पेट भर दूंगा। ये उसने संकल्प लिया है, तू मेरे पास एक कदम चल कर आ, मैं 1000 कदम चलकर तेरे पास पहुंच जाऊंगा। ये भगवान का संकल्प है, उसने जब संकल्प लिया है तो हम भी संकल्प क्यों ना ले। गाड़ी में बैठे तो उसकी चर्चा, मोटरसाइकिल पर बैठे तो उसकी चर्चा, 4 लोगों में बैठे तो उसकी चर्चा, शादी में जाए काम अपनी जगह होता रहेगा, जो मिल जाए तो उससे। हम गए थे कथा में, हमने कथा सुनी थी, शिव महापुराण की कथा सुनी, आया था शिवर वाला महाराज, उसने कथा सुनाई थी, उसने चर्चा करी थी, ये बोला था। अपने भीतर चर्चा को निकालें तो वो भी हमें चर्चा में रखेगा। भाव से दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, हृदय के साथ सभी लोग पुकारेंगे, भगवान शिव का मूल मंत्र स्मरण करेंगे। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सद्गुरु का Thank you.
से मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। हम आशा करते हैं कि भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें, इस उपाय को करना ना भूलें। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ओम नमः शिवाय दोस्तों।